भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हमारे देश में नशे की लत एक गंभीर समस्या है, जिसको लेकर के सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सर, जो नशे की समस्या है, एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर के क्या कुछ प्रयास हैं आपके और मंत्रालय के? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया था, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने उसके बाद से लगातार नशे की आदत के जो शिकार जो ग्रसित युवा हो गए हैं, उन युवाओं को और लोगों को नशे की आदत से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग लिया है, इसमें स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग लिया है, इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों का, धर्मगुरुओं का भी सहयोग लिया है, और आज बहुत बड़ी मात्रा में शैक्षणिक संस्थाओं का भी सहयोग इसके साथ में जोड़ा गया है। स्कूलों का भी जोड़ रहे हैं, महाविद्यालयों का भी जोड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का भी जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को नशे की आदत से बाहर निकाल करके उनकी शक्ति का रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग करते हुए समाज के लिए और देश के विकास में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में हमारा युवा अपना योगदान दे सके। मंत्री जी, देखिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो धरातल पर साकार हो सके, और उसमें जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तब तक हम इस तरीके के आयोजन को सफल नहीं मान सकते। तो उसको लेकर के किस तरीके का इकोसिस्टम तैयार किया गया है? नशा इतनी बड़ी चुनौती समाज के सामने है, इसको केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकेले प्रयासों से काम नहीं हो सकता है, इसमें समाज की सहभागिता भी बहुत आवश्यक है, और समाज की सहभागिता जोड़ने के लिए ही एक और जहां विभिन्न धार्मिक संगठनों को जोड़ा गया, स्वैच्छिक संगठनों को जोड़ा गया, यानी शासकीय प्रयासों के साथ में समाज की सहभागिता भी। जो युवा दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे नशा मुक्त के लिए? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम शुरुआत अपने आप से करें, अपने परिवार से करें, कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की नशे की आदत का शिकार ना होने पाए। अगर हो गया है, उसको बाहर निकालना है, अपने परिवार को, समाज को और देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो देखिए, जैसा कहा जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो नशे की लत एक अंधकारपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन यदि इससे बाहर निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे आज ही छोड़ें और हम भारत को मजबूत बना सकें, आर्थिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, DD News।